चलो ठीक। अच्छा तो अब हम क्या समझ क्या रहे हैं कि गैमेट्स कैसे बनते हैं। अब गैमेट्स बनने के लिए हमने क्या अभी तक क्या अंडरस्टैंड किया कि जो ये पेरेंटल जनरेशन आपस में क्रॉस हुई, जो होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव थी फॉर राउंड एंड रिंकल, ठीक है, फॉर ग्रीन एंड येलो, उसका आपस में क्रॉस कराया तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल स्मॉल, हेटरोजाइगस येलो, हेटरोजाइगस राउंड, इनसे गैमेट्स कैसे बनेंगे कि इनका इन्हीं से क्रॉस। तो हमने ये सब अंडरस्टैंड कर लिया क्या कि जनाब कभी भी जीन आपस में जब गैमेट्स बनेंगे तो जीन आपस में क्या करेंगी, क्रॉस नहीं करेंगी, जीन दूसरी जीन के साथ क्रॉस करेगी, जैसे वाई आर के साथ, फिर वाई स्मॉल आर के साथ, स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ, फिर स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ, ठीक है। हमने ये अंडरस्टैंड किया अभी, और इस तरीके से हमने फिर ये सारे गैमेट्स उठा के बना दिए। कैपिटल पहले कैपिटल वाई की बारी आर के साथ, फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ, स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ, स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ, इस तरह चार गैमेट्स लेफ्ट बन गए, चार गैमेट्स राइट बन गए, यानी कि ये फादर की तरफ से आ रहे हैं और ये मदर की तरफ से आ रहे हैं। किसी को भी फादर मदर कर ले, कोई इशू नहीं है। अब जब ये दोनों आपस में आके मिल गए और आपने गैमेट्स बना दिए फॉर इधर फॉर लेफ्ट फॉर राइट, तो अब इनका हमने क्या बनाना है, ये जीनोटाइप जो बन के आई है, और जीनोटाइप नहीं है अभी, अभी सिर्फ गैमेट्स हैं, इन गैमेट्स से हमने जीनोटाइप बनानी है। पहले पहले क्या बनानी है हमने, गैमेट्स से जीनोटाइप, गैमेट्स से क्या बनानी है पहले हमने जीनोटाइप, यानी कि कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये दोनों जब मिक्स होंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है, पहली वाली। yes, क्यों, क्योंकि इसने भी वाई दिया, मदर ने भी और फादर ने भी कैपिटल वाई दिया, मदर ने भी कैपिटल आर दिया, फादर ने भी कैपिटल आर दिया, ठीक, तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक। अब दूसरे इसमें आ जाइए, अब आप ये क्रॉस यू बना ले या यू बना ले, नो प्रॉब्लम, एक ही बात है इसके अंदर। अच्छा आपको ये बात अंडरस्टैंड आती है ना, राउंड एंड अपना कॉलम एंड रोज, के रोज और कॉलम के अंदर किस तरीके से रोज एंड कॉलम के अल्फाबेट डोनेट करते हैं। यस सर, यस सर। अब ये सिंपली उसी तरीके से हमारे पास ये एक क्रॉस बना हुआ है, ये देखिए पहला मैंने आपको जैसे अंडरस्टैंड करा, इसके अंदर देखिए जो सेकंड है हमारे पास, इसमें अंदर से यहां से कैपिटल वाई की जीन डोनेट हो रही है और इस वाले पेरेंट से क्या हो रही है, कैपिटल वाई, तो ये तो हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक, यहां से क्या थी कैपिटल आर, लेकिन यहां से क्या आ रहा है स्मॉल आर, स्मॉल आर, ठीक है, तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर है, स्मॉल आर, ठीक। नीचे आ जाइए इसके, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्योंकि ये स्मॉल वाई था और ये कैपिटल वाई था, तो लिखने में हमेशा कैपिटल को पहले लिख देते हैं, स्मॉल को बाद में लिख देते हैं, लिखने में कोई इशू नहीं होता, ठीक है ना। इसी तरीके से दोनों तरफ से कैपिटल आर आ रही है, तो यहाँ पर कैपिटल आर जीन हो गई। चौथे में आ जाइए जनाब, ये कैपिटल वाई यहां से आ रहा है रोज से या कॉलम से, फिर ये स्मॉल वाई यहां से आ रहा है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इधर से कैपिटल आ रहा है, इधर से स्मॉल आ रहा है, ठीक। इस तरीके से किसी को भी आप देख लें, इस वाले को देख लें, फॉर एग्जाम्पल इस वाले को, यहाँ क्या बता रहा है जनाब, कैपिटल वाई कहां से आया, यहां से, ये रहा कैपिटल वाई, ये यहां से कैपिटल उठा और यहां पर आ गया, यहां से स्मॉल वाई आया, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया। इस तरह आर कैपिटल आर यहां से आया और स्मॉल आर इस वाले रोज से आया, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर, इस तरह ये सारे क्रॉस बनते चले जाएंगे। अच्छा ये क्या है, स्मॉल वाई क्यों, क्योंकि यहां से भी कलर के लिए स्मॉल वाई आया और ऊपर से भी कलर से कलर के लिए स्मॉल वाई आया, जब स्मॉल वाई आया तो कलर क्या हो गया इसका, ग्रीन, ग्रीन हो गया, अगर कैपिटल आर हो गया, राउंड क्या शेप क्या हो गई, राउंड हो गई, शेप राउंड हो गया। अच्छा इसके साथ क्या हुआ जनाब, सलाउद्दीन बताए इसके साथ क्या हुआ, इस वाले शीट जी सर, कौन सा, ये जो मेरा एरो देखिए जी सर,
बताइए जी सर। जी सर ये तो रिंकल्ड हो जाएगा और इसमें ग्रीन कलर क्या है सर? येलो रिंकल्ड। येलो रिंकल्ड क्यों? येलो क्यों है जनाब? सर इसमें वाई कैपिटल डोमिनेंट हो जाएगा। और वाई कैपिटल इसको स्पेलिंग से मिला लेकिन इसके लिए यहाँ से स्मॉल वाई मिला, तो ये तो हो गया कलर, तो चलो येलो हो गया लेकिन वो दोनों तरफ से स्मॉल आ रहा है तो ये क्या हो गया? रिंकल। सेम लाइक विद द हेयर, इन तीनों के पास स्मॉल वाई के जीन आए फॉर कलर तो ये ग्रीन हो गया, लेकिन कैपिटल आर मौजूद है तीनों में, इसमें तो दोनों कैपिटल आ रहे हैं, इसमें एक कैपिटल आ रहा है, इसमें एक कैपिटल आ रहा है, तो उसने राउंड कर दिया, ग्रीन कर दिया इसको, राउंड कर दिया, ठीक है ना। इस तरह आखिरी वाले में क्या हुआ? दोनों तरफ से स्मॉल वाई आए, दोनों तरफ से स्मॉल आ रहा है, ठीक है ना। देखे लास्ट वाले को देखे, बिल्कुल दोनों तरफ स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, तो एंड में कंट्रीब्यूट भी यही होगा, स्मॉल वाई कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल आर, तो ये राउंड बेचारा रिंकल भी हो गया और ग्रीन भी हो गया, ठीक है। इस तरह ये शेड बनी। मैं आपको अब ये समझ में आ गया, अब मैं आपको मजीद इस तरह के क्रॉस दिखाता हूँ ताकि आपका जो ना और आपके लिए इजी हो जाए चीजों को अंडरस्टैंड करना। सर डायबिटी रेशियो कब पढ़ाएंगे? ये अभी देख रहे हैं कब पढ़ाएंगे, अभी पढ़ा रहे हैं, जब पढ़ाया अभी अभी पढ़ा रहे हैं, दो मिनट में डायबिटी रेशियो निकालना कौन सी बड़ी बात, ये आ गया डायबिटी रेशियो, ठीक है। अब देखिए वही बिल्कुल सेम वही क्रॉस है नहीं है? कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, अच्छा आर वाई में हो वाई आर में हो आगे पीछे हो कोई इशू नहीं है, आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ओके। अब देखिए इसने कहा है कि राउंड एंड येलो कितने हैं, राउंड एंड येलो कितने हैं? नाइन। राउंड एंड ग्रीन कितने हैं? थ्री। रिंकल एंड येलो कितने हैं? थ्री। रिंकल एंड ग्रीन कितने हैं? वन। आप में से कोई बताएगा रिंकल और ग्रीन कौन सा वाला है? सर ये जो लास्ट में है ना स्मॉल और स्मॉल लास्ट में है ना बॉटम राइट, 1 2 3 4 5 6 सेवन नंबर बताएं, 16 है 16 है टोटल, ये सर 16 नंबर वाला, 16 नंबर ब्लॉक 16 में, वेरी गुड, यानी कि लास्ट रो और लास्ट नंबर, ओके ठीक है। यस सर इस तरह हमने बताना है। अब मुझे बताइए कि सेकंड रो और सेकंड नंबर ये क्या है? सेकंड रो सेकंड नंबर राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड सारे मतलब राउंड एंड ग्रीन होगा, सारे मतलब राउंड एंड ग्रीन होगा पक्का? यस सर इसमें से तीन जो है वो राउंड होंगे और राउंड सारे होंगे लेकिन ग्रीन जो है वो तीन होंगे। अभी वो आप जो बात कर रहे हैं वहीं पर बताएं सिर्फ ना, वो तो आगे तो पूछना ही है मैंने सारी चीजें, ठीक है जनाब। अच्छा जनाब अब आ जाए जरा इस पर, ये चले भाई शाकरा है गई? यस आई यही हूँ। हाँ वेरी गुड, अच्छा बताएं फर्स्ट रो का लास्ट क्या है? अच्छा पूछ रहे हैं जी जी, फर्स्ट रो का लास्ट इसकी फिनोटाइप क्या होगी, शक्ल सूरत में कैसा होगा? एक तो राउंड होगा, वेरी गुड, और येलो होगा, येलो होगा, क्यों ऐसा क्यों बताया आपने, क्या समझ के बताया? क्योंकि सर आपने हाँ शाबाश शाबाश सर, एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, तो जाहिर सी बात है डोमिनेंट आएगा शेप में और कलर में भी ऐसा ही है, और कलर में भी ऐसा ही है, शाबाश, तो डोमिनेंट अपने आप को शो करेगा और रिसेसिव को हाइड कर देगा, ठीक है जनाब, हाइड कर देगा। चलिए फिर आप ही बताइए तीसरी रो का तीसरा थर्ड रो का थर्ड क्या होगा? थर्ड रो का थर्ड जी एक तो राउंड होगा, सारे राउंड होंगे, सारे कहाँ एक ही की बात कर रहे हैं ना, इसकी बात कर रहा हूँ जहाँ मेरा एरो रखा है, थर्ड रो की थर्ड की बात कर रहे हैं आप? हाँ थर्ड रो का थर्ड यहाँ एरो आगे ना यही तो है,
सर नहीं, रिंकल होगा और येलो होगा। क्या होगा? रिंकल होगा और येलो होगा, ये कह रही ना सर? शाबाश, वेरी गुड। इसके नीचे वाला? ये भी रिंकल होगा और ग्रीन होगा। दोबारा देखें। नहीं, रिंकल होगा और येलो होगा। येलो होगा। अच्छा, इसके बराबर वाला ये लेफ्ट कैपिटल आर स्मॉल आर। इसमें भी यही राउंड होगा और कलर और ग्रीन होगा। वेरी गुड। नहीं माधव जी सर, आपसे मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, बाकी माशाल्लाह सबको क्लियर हो गया। ठीक है ना, तो जिस पे कंफ्यूजन है उस पे जोर दिया जाए ना, तो बाकी सबको वैसे क्लियर हो जाए और उसको भी क्लियर होता है जिससे बात कर रहे हैं। ठीक है शाकिर बेटा, सब कुछ समझ में आ गया? मैं समझ सब रही हूँ, सिर्फ चुप इसलिए हूँ कि पूरा मतलब मुझे क्लियर बिल्कुल हो जाए। हाँ ठीक है, हम आपसे इसलिए बुलवा रहे हैं ताकि आपको क्लियर भी हो और आपको मजीद हेजिटेशन भी ना हो, आप गुफ्तगू कर सके। ठीक है ना मेरा बच्चा? जी सर। अच्छा, अब मेरा ख्याल है कि अब सबको ये टेबल समझ में आ गया होगा, अब तो कंफ्यूजन नहीं है कोई? यस सर, समझ आ गया। अच्छा ठीक है, बिल्कुल समझ। अब रेशो निकला, क्या रेशो निकला? 9:3:3:1। ये कौन सा रेशो है इसका? फिनोटिपिक रेशो। यस सर। जी सलाउद्दीन साहब, फिनोटिपिक रेशो क्या होता है? सर मतलब जो कैरेक्टर है ना उनका, जैसे राउंड और येलो मतलब शक्ल से दिख रहे हैं, तो इसलिए उनकी मॉर्फोलॉजी देख कर बता रहे हैं। मॉर्फोलॉजी देख के, वेरी गुड, स्ट्रक्चर देख के, यानी उनको देख करके, जैसे आपको राउंड नजर आता है, कोई चीज राउंड होती नजर आती है भाई, गोल है पूरी, इसी तरह कोई येलो या ग्रीन होती तो नजर आती है, तो जो आपको नजर आ रहा है दैट इज फिनोटाइपिक। मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी भी कहते हैं इसको। ठीक है ना, फिजियोलॉजी नहीं, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है ना, जो फिजिकली आपको नजर आती है। अच्छा, ये तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो कैसे निकालेंगे? सर वो जो अंदर बॉक्सेस में लिखा हुआ है ना सर, उनको अगर बाहर निकाल के एक एक करके रखें और जो सेम होंगे उनको साथ करके रखेंगे, मतलब जो 9 है और 3 जो होंगे राउंड और ग्रीन जितने हैं, रिंकल्ड और येलो जितने हैं, और जो रिंकल्ड ग्रीन जितने हैं सर, वो अगर साथ में रख लेना तो उनका पता चल जाएगा। चले शाबाश, लेकिन वह बहुत अच्छा। मुझे बताइए, मारिज बताएं या फिर जवेरिया बताएं, क्या इस पूरे बोर्ड चेकर बोर्ड में कहीं जीन जीन और टाइप बनी हुई है? यस सर, ये जो टेबल बना हुआ है जीनोटाइप ही तो है, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर। जो इसके अंदर एलील्स लिए हुए हैं तो ये सारे जीनोटाइपिक हैं। हाँ, जो एलील लिए हुए हैं, जो ये हमने अल्फाबेट्स लिखे हैं, अल्फाबेट्स है ही सारे जीनोटाइप। ठीक है, अब यस सर हम बात करते हैं किसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर इस पूरे चेकर बोर्ड में है गलती है, जल्दी से चेक करके बता, मुझे भी अभी नजर आई। सर फर्स्ट वाले में, फर्स्ट कॉलम के जो है वहाँ पे एक वाई कम लिखा हुआ है। वेरी गुड, जबरदस्त, फर्स्ट वाले में गलती है। शाकिरा गलती है या नहीं है? चले हो जाती है, आपकी बुक्स के अंदर भी बहुत सारी गलतियां हैं, वो आगे चल के बताएंगे आपको कहाँ क्या गलती है। अब हमारा ये चेकर बोर्ड पूरा कम्प्लीट हो गया, अब हम बात कर रहे हैं जीनोटाइप की। अब जीनोटाइप को काउंट कैसे करते हैं, मैं बहुत आसान तरीका बता दूं, बिल्कुल आसान तरीका। जीनोटाइप कैसे काउंट करते हैं, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। अच्छा, मैं आपको दोबारा उस वाले डायग्राम लेके जाऊं, एक बड़ी अच्छी सी बात उसके अंदर बनी हुई। देखिए इसके अंदर ये यहां आपको उसने फिनोटाइप बकायदा दिखाई है कि ये राउंड भी है और येलो भी है सारे ऊपर वाले। ठीक है ना, येलो भी है और राउंड भी है, दो बीच वाले, तो कितने हो गए ये? 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गए। ठीक है, 9 येलो एंड राउंड, ये 1, 2 और ये 3 ये येलो एंड रिंकल है, यानी कि येलो कलर के भी हैं और रिंकल शेड भी है। ये जो 3 है ग्रीन भी है राउंड भी है, और फिर आपको जो ये रिंकल भी है और ग्रीन भी है। That is morphology, जो आप सिर्फ शक्ल और सूरत देखते ही फौरन बता रहे हैं कि ये राउंड है और ये ग्रीन है। सबसे ऊपर वाला राउंड भी है और येलो भी है, सबसे नीचे वाला
रिंकल भी है और ग्रीन भी है, जो आप देख के बता रहे हैं दैट इज मॉर्फोलॉजी। अब इसके नीचे जीनोटाइप लिखी हुई है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। मुझे ये बताइए, ये अब मैं आपको दोबारा उसी शेप पे लेके जाता हूँ ताकि आपको जीनोटाइप निकालना बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। चलें जनाब इसमें निकालते हैं। ये बताइए जो शुरू में लिखा है कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर वाई, ऐसी जीन कोई और है पूरे बॉर्ड में, पूरे चेकर में? सर सिर्फ यही है क्या? डबल कैपिटल वाई डबल कैपिटल आर कोई और है इसके अलावा? नो सर नहीं। इसका मतलब यहाँ पर आप वन लिख देंगे। यस सर। लिख देंगे यहाँ पर वन वन। सेकंड शुरू हो जाइए, सेकंड की कौन सी है जल्दी से बताएं, शेप बताएं सेकंड की कौन सी है? ओ शेप नहीं, क्या हो गया इतना बड़ा सर? ये आई थिंक दो ये ज्यादा जूम हो गया सर, ज्यादा जूम हो गया, रुक ही गया। अच्छा आ गया, यस सर वापस आ गया। मैंने सारे काम किए वो सब दिखा रहा है। चले ठीक है, अभी सही जूम होगा। ठीक, ये जो क्या है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देखिए और कहीं है? ये सर एक और है, देखिए दूसरे नंबर की और सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम और फिर ये रहा सेकंड रो का फर्स्ट, सेकंड रो का फर्स्ट फर्स्ट कॉलम, इस पर भी आप टू टू लिख देंगे। ठीक है, इस पे वन आ जाएगा, yes, इस पे टू आ जाएगा। ठीक है, टू और इस पे भी टू लिख दें, पता लगा दो जीन की एक हो गई, एक जीन की एक हो गई, दो जीन की दो हो गई। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, और कोई है जरा देखिए इधर? यस सर है, इधर नंबर बताए, थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम में, थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम में। हाँ जनाब ये रही कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, ये भी चेक हो गया, ये भी चेक हो गया, और भी है क्या? नो सर ये दो ही है। अब है जनाब कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये चार है सर, यहीं से जो क्रॉस में चले जाना है नीचे। चार कौन कौन सी है? एक तो ये, दूसरी नीचे क्रॉस में चले जाना है हमने, तिरछी लाइन क्रॉस में चले जाना है। अच्छा ये आ गया, यानी कि फर्स्ट जो फर्स्ट जो थर्ड सेकंड रो का थर्ड, फिर थर्ड रो का सेकंड और फोर्थ रो का फर्स्ट, ये पूरा यानी कि हाँ सही कह रहे हैं, ये पूरे इसी लाइन में आ गया। ठीक हो गया बात, तो रेशो क्या आया 1 2 2 4 यही चल रहा है ना? यस पहले का एक मिला, दूसरे के दो मिले, तीसरे के भी दो मिले और चौथे के चार मिल गए। ठीक है, इस तरह आप सब देख लेंगे, तो इस तरह पूरा इसका जेनोटाइपिक रेशो निकलेगा 1 2 2 4 2 2 1 इस तरीके से निकलेगा। और टोटल जब आप इन सबको इसको चेक कैसे करेंगे कि आपका जेनोटाइपिक रेशो या फिनोटाइपिक रेशो सही है या गलत है, कोई फार्मूला है आपके पास? हाउ यू कैन चेक यूर चेक चेकरबोर्ड, क्या आपने जो ये जीनोटाइपिक रेशो निकाला है या फिनोटाइपिक रेशो निकाला ये सही है, क्या फार्मूला है इसका? सर ये जितने भी होंगे इनको जो एक जगह पे रख के प्लस कर देंगे, यानी कि हाँ, जितने भी इसका नंबर प्लस करेंगे तो कितने बनने चाहिए? प्लस कर देंगे 16 होने चाहिए टोटल, 16 होने चाहिए टोटल। अगर आपका सम 16 आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका 99% आपका ये चेकरबोर्ड सही है, 1% गलती की गुंजाइश है कि हो सकता है आपने कोई एक जीनोटाइप आईडेंटिटी बनाई हो लेकिन नंबर में वो पूरी हो रही हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका जीनोटाइप भी निकाल सकते हैं और फिनोटाइप भी निकाल सकते हैं। हाँ सलाउद्दीन बेटा, जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो समझ में आ गया? जी सर आ गया। और कोई क्वेश्चन? आप करें क्वेश्चन, क्योंकि आप माशाल्लाह अच्छे क्वेश्चन करते हैं, हमें क्लास में पढ़ने के बाद व्हाट्सएप पे सलाउद्दीन अच्छे खासे क्वेश्चन मुझसे करता है। जी सर अभी तो सब क्लियर है, जितना पढ़ा है जितना इसको पढ़ेंगे उतने सवाल आप निकलेंगे, याद रखें जितना पढ़ेंगे जितनी बार पढ़ेंगे उतने सवाल आप निकलेंगे आपके पास, और दैट विल बी द मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू हाउ मच टाइम यू विल बी रीड दिस वन।
ठीक है, ये सारे आपके पास मोनो हाइब्रिड। अच्छा देखिए, ये यहाँ पर क्रॉस किस किस चीज का कराया गया, जरा कोई बताएगा जल्दी से, दो करेक्टर कौन कौन से लिएगा? देखिए सबसे ऊपर क्या लिखा है, मियोसिस। मियोसिस होने के बाद जो ये अलग अलग एलील्स हो गए। हाँ, मिल गया जवाब आपको जो मैं कहना चाह रहा था। यस सर, मियोसिस ही उसके पास जायगोट बना। अब उससे पहले उसने गैमेट बनाए, जैसे मियोसिस से गैमेट बनाए, गैमेट बनाए, देखिए चारों डंडियां अलग हो गई, चारों मतलब चारों करेक्टर अलग अलग हो गए। पर्पल पर्पल के साथ है, रेड रेड के साथ है, ठीक है ना। बड़ी डंडी को उन्होंने कैपिटल लेटर दिया है, छोटी डंडी को उन्होंने स्मॉल लेटर दिया। देखिए कितना वाजे तौर पे इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं समझ लें, तो आपके लिए ये डंडियों का साइज भी इम्पोर्टेंट है कि जो लॉन्ग है वो कैपिटल है और जो स्मॉल है वो उसका रेसेसिव है, ठीक है। इस तरीके से आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपके लिए ये भी डंडियां ही रहेंगी सिर्फ। अब कह रहा है इंडिपेंडेंट असॉर्मेंट, ये अलग हो है, मिक्स हो गए, और फिर आर आर अपनी तरफ से लग गया, स्मॉल वाई यानी कि वाई वाई के साथ जुड़ गया और आर आर के साथ जुड़ गया, दोबारा जीनोटाइप सेट हो गई, ठीक। इस तरीके से अब नीचे आ जाइए, ये कैपिटल स्मॉल आर, कैपिटल स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। आप देखिए बिल्कुल उसने गैमेट वैसे ही बनाया ना, और इस वक्त उसने शेप, उसने इसने करेक्टर कौन कौन सा लिया है जनाब, पॉ यानी के राउंड का शेप और पॉड का कलर। हमने ये कंडीशन किस पे लगाई थी, सीड पर। ये कंडीशन आप किस पे लगा रहे हैं, ये सीड फली के कलर पर, सीड पे तो हमने लगाई थी, हमने क्रॉस सीड का पढ़ा था। अभी ये कंडीशन किस पे लगाई है उन्होंने, उसके छिलके के ऊपर, छिलके के ऊपर, छिलके का कलर और छिलके की शेप, ये मतलब कॉन्स्ट्रक्टेड राउंड है या रिंकल है, राउंड मतलब प्लेन या रिंकल है, या फिर कलर क्या है इसका, ग्रीन है या येलो है, नीचे लिख भी दिया उन्होंने, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर। कई सारे मटर होते हैं उनका जो छिलका होता है वो येलो होता है, लेकिन अंदर से वो ग्रीन ही निकलते हैं, वो बिल्कुल हो सकता है, डिफरेंट क्रॉसेस है, ठीक है। ये अब डिफरेंट क्रॉसेस आपके सामने, तो हमने क्या अंडरस्टैंड कर लिया आज जनाब, डायहाइब्रिड क्रॉस कैसे होता है, कैसे जीनोटाइपिक रेशियो निकलता है, कैसे वो सारे, देखिए ये बने हुए गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स, ये देखना चाहता कि ऐसी पिक्चर मिल जाए। ये आर ने पहले वाई से क्रॉस किया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, आर ने फिर वाई से क्रॉस किया, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर ने कैपिटल वाई से किया, स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर ने स्मॉल वाई के साथ किया, स्मॉल आर स्मॉल वाई, यही ऊपर आया टॉप पे आ गया, यही लेफ्ट पर आ गया, इन्हीं को आपस में क्रॉस करा लिया, सेम वही चक्कर आ गया, ये एफ वन जनरेशन आ गई ऊपर। यहाँ उन्होंने की दे दी आपको कि जनाब इस आर कैपिटल आर का मतलब क्या है, स्मॉल आर का मतलब क्या है, कैपिटल वाई का मतलब क्या है, स्मॉल वाई का मतलब क्या है, ठीक है। तो जितना आपको डायग्राम को स्टडी करना आ जाएगा उतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। नीचे देखें ये लिखा हुआ रिजल्ट, रिजल्ट एक जीनोटाइप, रिजल्टिंग फिनोटाइप, देखें ये आ गई जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। 16 में से 9 राउंड एंड येलो, 16 में से 3 राउंड एंड येलो, ठीक है। और नहीं, जीन जीन बता रहे हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इस तरह नीचे भी उन्होंने आपको जो है फिनोटाइप बता दी, 9331 ये जीनोटाइप भी बता दी। इस तरह बहुत सारे पिक्चर्स और भी देख सकते हैं और अपनी कंफ्यूजन को मजीद बढ़ा के क्लियर भी कर सकते हैं। सर मेरा एक सवाल है, जब हम इसको ड्रॉ कर रहे हो, जब हम इसके टेबल वगैरह बना रहे हो खुद ही से, तो ये जो इसके हैं जीनोटाइप के जो हम लेटर्स लिखते हैं, अल्फाबेट्स लिखते हैं, तो ये हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं या जो इनके हैं वो मखसूस हैं? हाँ शाबाश, बहुत अच्छा और जबरदस्त क्वेश्चन किया। देखिए अगर आप हमेशा क्या कर दे आप, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, देखिए हमेशा इस तरह की बनाते, देखिए ऊपर से की बनाई है, ये देखिए क्या बनाई है इसमें, अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तब भी लिखते हैं, नहीं चेंज करना चाह रहे हैं तब भी लिखते हैं, जब चेंज करना चाह रहे हैं तब तो लाजमी लिखे हैं, ताकि एग्जामिनर को कंफ्यूजन ना हो कि आपने कौन सा लेटर किस कलर के लिए, किस करेक्टर के लिए लिया, ओके ठीक है सर। यू कैन चेंज दिस, सर ये तो नहीं,
सर हम ये तो नहीं कर सकते ना कि जैसे येलो के लिए हम कैपिटल वाई ले लें और ग्रीन के लिए हम स्मॉल जी ले लें। नहीं नहीं ले सकते, उसकी वजह क्या है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि जब इन्होंने पेयरिंग करनी है तो आप कैपिटल वाई कैपिटल जी के साथ जब भी कराएंगे तो वो गैमेट बना रहेगा, कभी भी एलएल नहीं बनेगा। अभी जो कंफ्यूजन मैंने आपके पीछे समझाई, अगर आप एक ही करेक्टर के लिए दो अलग अलग अल्फाबेट ले लेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि जब आप उसका जायगोट बनाने लगेंगे तब आप एलएल कैसे बनाएंगे, स्मॉल जी के साथ कैपिटल वाई थोड़ी मिलाएंगे, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। यस सर, ये बात है। एक ही करेक्टर के लिए एक ही अल्फाबेट लें, बस उस करेक्टर का फॉर एग्जाम्पल कलर है ये ना, तो कलर का कैपिटल वाई डोमिनेंट लें, स्मॉल वाई रेसेसिव। अब वाई को आप ग्रीन कलर दें, येलो दें, ब्लू दें, रेड दें, ऑरेंज दें, आपकी मर्जी, ठीक है ना। लेकिन लेटर कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर लें, एक ही अल्फाबेट लें, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी, आप खुद ही गैमेट्स के बाद उसकी एलएल नहीं बना पाएंगे। हम देखें, देखिए जैसे ये रिजल्ट निकल रहा है, ये रिजल्ट निकल रहा है, अब देखें देखें पी पी के साथ है, वाई वाई के साथ है, पी पी के साथ है, पी स्मॉल पी स्मॉल पी के, ऐसा नहीं है कि कहीं पी और वाई एक साथ हो, है कहीं? नो सर, ऐसा नहीं है। अल्फाबेट अल्फाबेट के साथ होगा, कैपिटल स्मॉल हो सकता है, इसी में देख ले अपने क्रॉस के अंदर, आर आर के साथ है, वाई वाई के साथ है। ठीक है बेटा, और कोई क्वेश्चन किसी ने करना है? सर हम जब भी डायहाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे तब यही रिजल्ट आएगा, चाहे वो किसी भी करेक्टर का हो या कुछ भी हो, किसी का भी और कुछ भी हो, इट विल प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। सर फिर हम इसको याद कर सकते हैं ना, मतलब एमकेट के लिहाज से, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं होता कि इतनी बड़ी सॉल्यूशन करें। यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जितनी दफा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये रेशियो अजबर हो जाएंगे, और याद रखें जेनेटिक्स क्रॉस आप जितने ज्यादा करेंगे उतने ज्यादा आपको ये याद हो जाएंगे, और उतनी जल्दी आप एंट्री टेस्ट या कोई सा भी फास्ट टेस्ट टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। जो ये रेशियोज हैं ये फिक्स्ड है। हाँ, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। ये मुझे आप याद दिलाइएगा, कल क्लास हो या दो दिन बाद हो, जब भी हो, जब भी मैं ले लूंगा, हो सकता है फ्राइडे सैटरडे के अंदर में, जैसे आज फारिग था क्लास ले ली, दो आए, चार आए, छह आए, मुझे इससे मसला नहीं है, जितने आएंगे वो इंशाल्लाह हासिल करेंगे कुछ जैसे हमेशा करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? इनकम्प्लीट एंड कम्प्लीट डोमिनेंस को डोमिनेंस। जबरिया मैं वो भी समझ मेरे साथ होते ना, पिटाई करता हूँ। इनकम्प्लीट अनकम्प्लीट डोमिनेंस, वेरी गुड ना, बहुत आला, शाबाश, 10 दफा थम्ब अप। चले भाई, आइए कल मिलेंगे इंशाल्लाह। यस सर, इंशाल्लाह। ओके सर, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह सर, सही है। ओके, अल्लाह हाफिज सर। सलाउद्दीन साहब, समझ में आई बात? नहीं आई जी सर, समझ आ गया। इंटरेस्टिंग है नहीं है? बहुत। चले भाई, फिर मिलेंगे। चले सर, मैं एक सवाल छोटा सा कर लूं? हाँ हाँ, बड़ा सा करें। यहाँ पे हमने जो है दो करेक्टर्स लिए थे जिसके हमारे पास चार एक्सप्रेशन थी, यानी कि 16 हमारा एंड में रेशो आ रहा है सम। तो हम जो है चार करेक्टर्स की कितनी, आठ एक्सप्रेशन का भी तो कर सकते हैं ना? 16 एक्सप्रेशन हो जाएंगी आपकी सर, फिर ये जाके शायद 32 के आसपास होंगे, 64 इस तरीके से होंगी। आप करा सकते हैं, लेकिन डाई के बाद ट्राई हाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने मना किया। क्यों? क्योंकि जितने आप क्रॉसेज एक साथ लेते चले जाएंगे उतना चेकर बोर्ड आपका बड़ा हो जाएगा, जितना चेकर बोर्ड बड़ा हो जाएगा उतने गैमेट बनेंगे, जितने गैमेट बनेंगे उतनी उनकी फिनोटाइप बनेगी, जब फिनोटाइप बनेगी तो सारी गड़बड़ होना शुरू हो जाएगी, संभाल नहीं सकते, यानी कि रेशो बढ़ जाएगा। इसलिए उसने कहा कि मैक्सिमम डायहाइब्रिड क्रॉस करें, भले दो दो करेक्टर की जगह, दो दो करेक्टर को आप 10 जगह कर लें, एक जगह आप सीड में देख लें, एक जगह सीड पॉड के कलर में देख लें, एक जगह फ्लावर के कलर में देख लें, एक जगह लीफ की शेप में देख लें, एक जगह रूट की शेप में देख लें, एक जगह अलग अलग कर लें चीजों को, ताकि इसके अंदर रिजल्ट में आपको कोई एम्बिग्यूटी या कंफ्यूजन ना हो। यानी कि बेस्ट डायहाइब्रिड क्रॉस है। हाँ, वरना जितना आप इसको मिलाएंगे ना ये पेचीदा हो जाएगा, जब पेचीदा हो जाएगा तो आप खुद उलझ जाएंगे, तो जब आप खुद नहीं समझ सकेंगे दूसरे को खाक समझाएंगे। यस सर, ये तो है।
आजमा चुके हैं ये। जितना आसान रखे चीजों को ताकि दूसरे को समझाना, खुद भी समझना आसान हो, दूसरे को समझाना आसान हो, ताकि कुछ रिजल्ट निकले, वो कुछ सीखे। टीचर को स्टूडेंट को परेशान करना मकसूद नहीं है कि मुश्किल लफ्ज और मुश्किल वर्डिंग और मुश्किल मिसालों के जरिए आपको बोले बस याद कर लो ना। टेंशन देने वाली बात नहीं है, स्टडी रिलैक्स करती है इंसान को, स्टडी परेशान नहीं करती इंसान को। हम परेशान होते हैं इसलिए तालीम से भागते हैं, लेकिन जब तालीम हमको अच्छी आसान और बेहतरीन तरीके से मिले फिर हम खुद ही भागते हैं उसके पीछे। फिर हम तो कहते हैं कि किताब मिल जाए वाली, या फिर वो बात मिल जाए, वो बंदा मिल जाए जिससे हमने वाली बातें करनी। ठीक है भाई? यस सर। चले भाई, अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह कल मिलेंगे, मेरी पूरी कोशिश होगी कि क्लास हो जाए। अल्लाह हाफिज सर। ठीक है।